सेलिब्रिटी किंग कपिल शर्मा ने दे दी है साल 2019 की सबसे बड़ी खुशखबरी। वेल गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, कपिल इस वक्त अपनी लाइफ के बहुत प्यारे से मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। कपिल शर्मा बहुत जल्द बनने वाले हैं पिता, और ये जो गुड न्यूज आई है वो कपिल के पापा बनने से जुड़ी हुई ही आई है। जी हाँ, एज पर द सोर्सेस, अभी कुछ महीने पहले कपिल शर्मा ने काम से करीब 10 दिन का ब्रेक लिया था, और अब कपिल से जुड़े एक और करीबी ने बताया है कि कपिल शर्मा बहुत जल्द एक और लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। करीबी कहते हैं कपिल गिनी की डिलीवरी के वक्त उनके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने चैनल से छुट्टी मांग ली है 11 दिसंबर से। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट कपिल नहीं करना चाहते। वो इस दौरान किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। कपिल 11 दिसंबर के बाद से सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। बता दें आपको, कपिल ने बीते साल 12 दिसंबर को गिनी के साथ शादी की थी, और इस बार की डिलीवरी डेट जो आई है गिनी चतुर्थ की, वो 11 दिसंबर की है। एज पर द सोर्सेस, 11 दिसंबर को कपिल शर्मा के घर नन्हा मेहमान आ सकता है। हालांकि कपिल के जितने भी फैंस हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि कपिल शर्मा पापा बनने वाले हैं, और कपिल शर्मा पापा बनने के लिए अपनी पत्नी गिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। वाकई कॉमेडी किंग का ये रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और रिस्पॉन्सिबल पापा वाला अंदाज हमें तो काफी ज्यादा भा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।